स्टूडेंट वेलकम टू G3 लर्निंग क्लास। होप ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। टुडे इन ज्योग्राफी क्लास वी विल रीड अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बेटा आपको पता है एयर हैज़ इट्स ऑन वेट। एयर क्या है, अपना वेट रखती है, जिसके कारण इट हैज़ द प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस। वो क्या करती है, एयर सरफेस के ऊपर प्रेशर रखती है और दैट प्रेशर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। और बेटा इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। किसके द्वारा आपको मेजर्ड किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। और जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में मेजर करते हैं, इन द मिलीबार के अंदर। और जो इसकी जो वाइडली यूनिट होती है इट इज यूज आपको मेजर्ड बाय द किलो पास्कल। वो किसके द्वारा आपको मेजर्ड की जाती है, किलो पास्कल के द्वारा। और एट द सी लेवल पर वी हैव द हाई एयर प्रेशर। हम सबसे ज़्यादा हाई एयर प्रेशर रखते हैं। और एट द सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना पाया जाता है, इट इज 1013.25 किलो पास्कल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर ऑन द मैप इज शोन बाय द आइसोबार। वो किसके द्वारा आपको शोन किया जाता है, आइसोबार के द्वारा। और आपको हमने लास्ट उसमें वीडियो में वी हैव रीड अबाउट द आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ा था। और सेम ऐसे ही बेटा आइसोबार, डैट इज द आइसो मीन्स इक्वल और बार मीन्स आपका एयर प्रेशर, यानी कि दीज आर ऑल्सो इमेजनरी लाइन्स होती है। डैट ज्वाइन डैट प्लेसेज डैट हैव द इक्वल एटमोस्फेरिक प्रेशर। स्पेसिंग ऑफ आइसोबार एक्सप्रेस्ड प्रेशर ग्रेडियंट। वो किसको शो करता है, प्रेशर ग्रेडियंट को शो करता है। और बेटा जो क्लोज स्पेसिंग ऑफ आइसोबार का इंडिकेट्स करता है स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट को शो करता है, जबकि वाइड जो स्पेस है सजेस्ट ए वीक ग्रेडियंट को सजेस्ट करता है। नाउ इम्पोर्टेंस। और बेटा आपको पता है कि एयर प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के कारण वी हैव द चेंजेस इन द वेदर एंड टेम्परेचर। क्योंकि हमारे जो वेदर और टेम्परेचर के अंदर चेंज किसके कारण होता है, एयर प्रेशर के कारण होता है। और यू नो आपको पता है कि एयर एक्सपेंड होती है व्हेन हीटेड अप। तो आपने पता है कि वार्म होकर के एयर क्या होती है, एक्सपेंड होती है, जबकि इट गेट कंप्रेस्ड होती है व्हेन कोल्ड, जब वो ठंडी होती है, जिसके कारण वी हैव द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर वेरिएशन रखते हैं। और हैविंग द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट लीड द हॉरिजेंटल मोमेंट ऑफ एयर। वो किसको लीड करता है, हॉरिजेंटल मोमेंट ऑफ एयर। और बेटा हॉरिजेंटल मोमेंट ऑफ एयर कॉल्ड विंड, उसको क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है। और विंड ट्रांसपोर्ट हीट एंड मॉइस्चर को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इट हेल्प इन द अक्यूरेंस ऑफ द प्रिसिपिटेशंस के उसमें हेल्प करती है। और इट आपका इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को भी है इन्फ्लुएंस करती है। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बेटा जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अक्रॉस द लैटिट्यूड इज नोन एज द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर। और देयर आर द फोर आपका एयर प्रेशर बेल्ट आर फाउंड ओवर द ग्लोब। इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट। और बेटा दिस बेल्ट एक्सटेंड अप टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ साइड और 10 डिग्री साउथ साइड का जो आपका एरिया है इट इज़ नोन एज द इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट। वो कैसे, किस आपका प्रेशर बेल्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, लो प्रेशर बेल्ट के। और देर आर द टू रीजन टू हैव द लो प्रेशर। फर्स्ट इज आपका ड्यू टू द इंटेंस हीटिंग, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो सोलर इंसुलेशन है आपकी हाई रहती है, जिसके कारण एयर गेट वार्म हो जाती है एंड राइज अप होती है, जिसके कारण लो प्रेशर आपका आर फाउंड इन दिस एरिया। और देयर इज हाई वाटर वेपर कंटेंट रहता है इन द एयर के अंदर विच रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ द एयर, और जिसके कारण हमारी जो एयर प्रेशर है रिमेन लो, आपका लो पाया जाता है। और दिस एरिया हैज़ द मैक्सिमम आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रखता है, जिसके कारण आपका जो एयर पोसेस अवे बाहर की तरफ आपकी रिफ्लेक्ट कर दी जाती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस से, जिसके कारण लो प्रेशर आपका आर फाउंड इन दिस एरिया। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और बेटा दिस बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम नियर द ट्रॉपिक्स टू द अबाउट द 30 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री साउथ। और बेटा देयर आर द टू रीजन्स हैविंग द हाई प्रेशर। फर्स्ट इज क्योंकि जो वार्म एयर होती है ऑफ द इक्वेटर बेल्ट की
कूल्ड डाउन, वो ठंडी हो जाती है व्हेन इट गोज अप, ऊपर की तरफ आ जाती है हाई लैटिट्यूड्स की तरफ, एंड इट रन्स टुवर्ड द नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड आपका रिस्पेक्टली अकॉर्डिंग टू द हेमिस्फीयर, यानी कि आपको नॉर्थ साइड में की तरफ आपको मूवमेंट करती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ साइड की तरफ मूवमेंट करती है इन द आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में, और जिसके कारण आपका है जो आपकी इट कोल्ड डाउन होकर के डेंस्ड होती है नीचे की तरफ आपकी करती है, जिसके कारण हाई प्रेशर आर फाउंड इन दिस एरिया सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और बेटा ये जो बेल्ट है इज लोकेटेड बिटवीन द 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ टू द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स के अंदर, और बेटा इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट से डिफरेंट होती है, क्यों, क्योंकि देर आर द टू रीजन हैविंग द आपका लो प्रेशर बेल्ट, फर्स्ट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड सेकेंड इज जो वार्म ओशन जो करंट होती है फ्रॉम द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल एरिया से कैरी ए लॉट ऑफ द हीट को कैरी करती है टू द सब पोलर एरिया की तरफ, जिसके कारण आपका दैट इज अ लो प्रेशर आर फाउंड इन दिस एरिया पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और बेटा दिस बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम द 80 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ टू द पोल साइड की तरफ, और आपको पता है कि टू आर द पोल साइड की तरफ देर आर द एक्सट्रीमली लो प्रेशर आर फाउंड पाया जाता है, वाई, क्योंकि जो पोल्स रिमेंस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट से बिल्कुल ही बिलो रखते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन में भी, और जिसके कारण जो एयर है रिमेंस कोल्ड होती है डेंस होती है, जिसके कारण है हाई प्रेशर आर फाउंड इन दिस एरिया। And now next point we will cover in our next video.